हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आप लोग सोच रहे होंगे कितना बड़ा चश्मा पहन के ये बंदा कहाँ से आ गया, तो जी मैं बता दूं कि ये चश्मा जो है हमारा नहीं है, मेरे कपिल का लड़के का है, जो कि आया है ट्रेनिंग सेंटर पे। उसका आर्मी ट्रेनिंग का सेंटर चल रहा है, तो जहाँ बस लगता है उस जगह पर पार्किंग लगाया हूँ और उस एरिया में पूरा खाली है, इतना धूप है इसलिए पहना हूँ। चलिए मैं अपना इंटरव्यू दे दूं। मेरा नाम है आफ्ताब आलम, आपको पीछे का भी व्यू दिखा दूंगा, कहाँ मैं गाड़ी लगाया हूँ, कहाँ बस लगी है, पहले वो दिखाता हूँ फिर आपसे बात करूँ। Not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that I'm... तो आप लोगों ने देख लिया वीडियो कहाँ का है। तो वीडियो बनाने का हमारा कोई मकसद नहीं था, और अपने बारे में भी बताऊंगा पहले क्यों वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, पहले वो बात जानकारी दे दूँगा आप लोगों को क्या वजह से दे रहा हूँ। मैं प्राइवेट करने वाला था, बहुत सारे वीडियो मैंने प्राइवेट किया भी है, तो मैं प्राइवेट अब करना नहीं सोच रहा हूँ कि मैं अब पब्लिक करूँ। तो इसीलिए मैंने नया अकाउंट बनाया है। पहले मेरा यूट्यूब था जिसमें कॉपीराइट का बहुत सारे झमेला आ गए हैं, कॉपीराइट बहुत सारे होते हैं ना, गाना चल रहा है कहीं कुछ चल रहा है तो उसका कॉपीराइट आता है। जो यूट्यूब बनाते होंगे, जो इस यूट्यूब के मामले में जानते होंगे, उनको पता होगा, हमें भी उतना नहीं मालूम था, इसीलिए वो अकाउंट छोड़ के अब दूसरे अकाउंट पे ब्लॉग के नाम से शुरू किया हूँ, आफ्ताब आलम ब्लॉग से जी। तो आइडिया कुछ यूँ आया, तो बैठे बैठे था इंडिया में, हमारे जो शुभ चिंतक हैं जो इमो पे फ़ोन करते हैं तो बहुत से जानना चाहते हैं कौन सा काम करते हो, कहाँ पे रहते हो, कैसा रूम है, कैसा गाड़ी है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में इमो पे वीडियो दिखा के कुछ समझ में आता है कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा यार ये एक दो लोगों को दिखाने से अच्छा है, इनको दिखाने से एक दो लोगों को दिखाने से एक चैनल ही बना लेता हूँ, जितने भी हमारे जानने पहचानने वाले हैं, जो नहीं भी जानने पहचानने वाले हैं वो भी देख लेंगे, इसीलिए चैनल बनाया हूँ। और कारण से यही बनाया हूँ कि ख़ास तौर से कि जो भी इमो पे फ़ोन करता है तो उनको, चाहे मेरे फैमिली की तरफ से हो जाए, मेरे फ्रेंड हो जाए, चाहे हमारे ड्राइवर दोस्त हो जाए, ड्राइवर दोस्त को ज़्यादा ही चिंता रहती है क्योंकि हम उनको शुभ चिंतक मानते हैं जी, क्योंकि वो शुभ चिंतक इसलिए हैं क्योंकि वो साथ में काम भी किए हैं, साथ में रहते भी हैं इंडिया में। तो अपना थोड़ा सा इंटरव्यू दे दूँ आप लोगों को, दूसरे लोकेशन पर चलते हैं, फिर वहाँ पर बैठ के आपसे लोकेशन पर बात करते हैं जी। लोकेशन चेंज कर लिया हूँ, लोकेशन इसलिए चेंज करना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों को वीडियो देख देख के बोर हो जाते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी जगह पे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा जी। तो अपने परिचय दे दूँ मैं कि मेरा नाम आफ्ताब आलम है, इंडिया से हूँ और यूपी बिहार से बिलोंग करता हूँ। आपको बता ही दिया हूँ वीडियो बनाने की वजह क्या है, कि हमारे जितने भी परिचय के लोग हैं जो हमारे जानने वाले हैं, इमो पे वीडियो दिखाना तो नेटवर्क का इशू होता है, कभी अच्छा नहीं चलता है, तो यही जगह से आइडिया आया कि मैं अपना खुद का चैनल बनाऊं और अपने बारे में और यहाँ का
क्या चीज़ है क्या नहीं है, ब्लॉग बनाऊँ। ज़रूरी नहीं मैं एक ही टॉपिक पे बनाऊँगा, चेंज करता रहूँगा जो भी जैसा जो चीज़ अच्छा लगे, जो चीज़ जानकारी होना चाहिए वो चीज़ दूंगा। अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट में आप लोग, अच्छा नहीं लगेगा तो भी बताइएगा। फिलहाल आपको इंटरव्यू दे दिया हूँ, लंबी बहुत वीडियो हो गया है तो अपना परिचय दे दिया हूँ। बाकी की जो भी बातें हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ब्लॉग जो है ज़्यादा लंबा नहीं करना है, हमको छोटा छोटा बनाना है कि आपका भी समय बचे और हमारा भी कुछ समय मिले। तो काम भी करना है और समय मिलेगा तो ब्लॉग भी बनाना है। अब ब्लॉग ज़्यादातर हमारा ऐसे रूमों में नहीं रहेगा, क्योंकि ये गेस्ट रूम है, मेरे कपिल का ही घर गेस्ट रूम है। तो बाकी मैं बताऊंगा मैं किस जगह पे हूँ, कहाँ पे हूँ, बाकी लोगों को वीडियो पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं डालने वाला हूँ उसमें सारी अपना डिटेल बताऊंगा, फिर गाड़ी का भी वीडियो बनाऊंगा, अपने रूम का भी, अपने कपिल के घर का भी, उसके बाद ये अपना फैमिली का इधर कतर का फैमिली से ख़त्म हो जाएगा ब्लॉगिंग। ज़्यादा एक दो वीडियो में अपने रूम का, घर का, गाड़ी का ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा बड़ी बनाएं तो एक ही में सारा हो जाता, छोटा छोटा बनाने में फ़ायदा ये है कि आप लोग भी बोर नहीं होइएगा और हमें भी बनाने में थोड़ा आसान रहेगा। सबसे बड़ा मसला है एडिटिंग का, एडिटिंग करना मुझे उतना आता नहीं है, सीख रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो मैं आगे भी करूँगा। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें के बारे में बताएँगे और डिटेल भी बताएँगे। ओके, खुदा हाफिज़।